गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन कहिए इसको या आइडेंटिटी को हम प्रूव कर रहे हैं। कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी ज्योमेट्रिकली, राइट। तो एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको हम यूज़ तो करते हैं बार बार, बट हमें मालूम होना चाहिए कैसे ये डिराइव हुआ। तो पहला चीज़ तो अभी हमने यहाँ पे एक फिगर ड्रॉ किया हुआ है। फिगर में देखें कि वी आर हैविंग अ बेस दैट इज ओ टी, एक बेस ओ टी दिया हुआ है और ओ पी एक लेंथ दिया हुआ है, इसका लेंथ है 1 यूनिट, ठीक है। 1 यूनिट का लेंथ, दैट मीन्स हम हर जगह इसको सॉल्व करने के लिए, अपनी आइडेंटिटीज को प्रूव करने के लिए हम एक सर्कल की हेल्प लेते हैं, दैट इज ऑफ लेंथ जिसका रेडियस होता है 1 यूनिट। तो उसका अल्टीमेटली हम यूज़ करते हैं हर जगह पे। तो यहाँ पे हमने भी एक फिगर ड्रॉ कर दिया है, इंस्टेड ऑफ ड्राइंग द कंप्लीट सर्कल यहाँ पे एक फिगर ड्रॉ किया है। तो फिगर में हमारे पास क्या है, वी आर हैविंग अ रे दैट इज ओ टी, ये जा रही है इधर, इट इज़ गोइंग लाइक दिस। तो यहाँ पे वी आर हैविंग ओ एस, वी आर हैविंग ओ पी, ओ पी का लेंथ 1 यूनिट है, ओ एस का लेंथ अभी निकालेंगे, जो ये सारी लेंथ्स लिखी हुई हैं सब लेंथ्स को निकालेंगे। जैसे लिखा हुआ है पी एस, पी एस इज इक्वल टू साइन ए, ओ एस इज इक्वल टू कॉस ए, सब जनरेट हो जाएंगी अभी, ठीक है। तो नो नीड टू वरी, अगर अभी समझ में नहीं आ रहा है कॉस ए क्या लिखा हुआ है, साइन ए क्या लिखा हुआ है, अभी समझ में आने लगेगा कि अल्टीमेटली हम करना क्या चाह रहे हैं। तो पहली चीज़ तो आप यहाँ देखें कि कॉस ए प्लस बी हमें प्रूव करना है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है। ऐसा कुछ प्रूव करना है अभी, कॉज है मालूम है, व्हाट इज कॉज व्हाट इज साइन दैट वी नो, तो इतना तो आना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे ए और बी क्या लिया हुआ है, मैंने दो एंगल्स लिए हैं, आई हैव टेकन दिस एंगल एज ए, ये एंगल ए है और ये एंगल बी है। अगर मैं इस टोटल एंगल को देखूंगा तो ये एंगल मेरा ए प्लस बी हो जाएगा, ठीक है। सो टोटल एंगल इज ए प्लस बी, ये एंगल ए है और ये एंगल है बी, ओके। अब जो ये डिफरेंट वैल्यूज़ हैं इन्हें निकालने की कोशिश करते हैं, पीछे माइनस लिखा हुआ है, तो अल्टीमेटली हम क्या करेंगे, मैं क्या कहाँ अब पहुँचना चाह रहा हूँ कि मेरा जो रिज़ल्ट होगा, आई वॉन्ट टू शो कि मेरे पास जो कॉज ए कॉज बी आएगा, कॉज ए कॉज बी मेरी जो लेंथ आएगी जो हम इसमें डिराइव करने की कोशिश कर रहे हैं, कॉज ए कॉज बी लेंथ आ रही है ओ टी, ठीक है। और इसमें से मैं कुछ माइनस करना चाहूँगा, दैट इज़ माइनस साइन ए साइन बी। तो यहाँ से यहाँ तक जो ये लेंथ होगी, दैट लेंथ विल बी इक्वल टू साइन ए साइन बी, ठीक है। ऐसा कुछ है मेरा, ये फिगर से हम ये डिराइव करने की कोशिश कर रहे हैं, ओके। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने क्वेश्चन को लेफ्ट हैंड साइड से। पहले हम फाइंड कर रहे हैं कॉस ए प्लस बी, इसे भी रिमूव कर दूंगी, ज़रा अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पे, इट इज़ नॉट गिविंग अ गुड इम्प्रेशन, राइट। तो थोड़ा सा इसे यहाँ से हटा देते हैं, थोड़ा नीट एंड क्लीन रखते हैं फिगर को, बहुत देर लगी है बनाने में, इट हैज़ टुक मी 7 मिनट्स, ओके। तो अभी हम फाइंड कर लेते हैं कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी, ठीक है। तो ये एंगल ए प्लस बी है, तो अगर हम कॉस ए प्लस बी की बात करें, हम इस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं ओ पी आर, ओ पी आर, तो कॉस बी ए प्लस बी हम निकाल रहे हैं विद द हेल्प ऑफ ट्राइंगल ओ पी आर, बार बार लिखता जाऊंगा बिकॉज हम डिफरेंट ट्राइंगल्स को यूज करेंगे। तो कॉस ए प्लस बी कितना आ गया, बेस अपॉन, कॉस कितना होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट मीन्स ये तो हो गया बेस, तो हो गया ओ आर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कितना हो गया, 1 हो गया, सो ओ आर अपॉन 1। तो हमें कॉस ए प्लस बी की वैल्यू मिल गई यहाँ से, कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू ओ आर, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई, फर्स्ट इक्वेशन। तो इसका मतलब हमें ओ आर निकालना है, ठीक है, ओ आर निकालना है। तो बस अगर ये ओ आर निकालना है, मतलब मालूम चल गया कि मैं तो ओ टी माइनस आर टी करना है, ठीक है। अब अलग अलग चीजें निकलेंगी इसमें से, ओके। नाउ ट्राइंगल ओ पी एस,
तो अभी हम देखें अपना ट्राइंगल ओ पी एस, ये ओ है, ये पी है, ये एस है, ट्राइंगल ओ पी एस, राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल एट एस। तो अब मैं कंसिडरेशन कर रहा हूँ, अब मैं फाइंड करने की कोशिश कर रहा हूँ कॉस ए, ठीक है। तो ए एंगल तो ये, तो ये मैं निकाल रहा हूँ कहाँ से, फ्रॉम ट्राइंगल ओ पी एस। तो कॉस ए का वैल्यू कितना आएगा, कॉस ए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, सो कॉस ए का वैल्यू आ गया हमारे पास ओ एस अपॉन वन, ओ एस अपॉन वन। तो कॉस ए आ गया ओ एस के बराबर, ठीक है। तो कॉस ए इज इक्वल टू ओ एस, ये सेकेंड इक्वेशन आ गया। अब साइन भी निकाल लेते हैं यहाँ से, इसी ट्राइंगल से, फ्रॉम ट्राइंगल ओ पी एस ओनली। तो यहाँ से हमें साइन ए मिल जाएगा, साइन ए, साइन ए कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट मीन्स पी एस अपॉन वन। तो ये पी एस के बराबर हो गया, ये हो गया थर्ड। तो पी एस को तो लिख दिया साइन, ये लेंथ लिख दी अब यहाँ पे हमने, जब कैलकुलेट हो गई तो हमने साइन इधर लिख दिया। और जो हमारे पास ओ एस है, ओ एस आ गया कॉस है, तो हमने यहाँ पे ओ एस को लिख दिया कॉस है। इन दोनों की लेंथ आ गई इन टर्म्स ऑफ एंगल्स, साइन ए एंड कॉस ए। हमें यहाँ पे साइन ए भी चाहिए, हमें यहाँ पे कॉस साइन ए भी चाहिए और कॉस ए भी चाहिए। अब ट्राइंगल, अब हम निकालते हैं हमें क्या चाहिए, अब साइन ए कॉस ए तो आ गए, साइन भी कॉस भी चाहिए। ओके तो अब कॉस भी निकालते हैं, कॉस भी हमारा कहाँ से आ सकता है, फ्रॉम दिस स्मॉल ट्राइंगल, यहाँ से भी आ सकता है कॉस भी, और एक ये बड़ा ट्राइंगल है यहाँ पे, यहाँ पे भी आ सकता है क्योंकि बी ए बी और बी ए बी है। तो अभी हम क्या यूज़ कर रहे हैं, ट्राइंगल ओ एस टी, ओ एस टी। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे कॉस बी को हम कोशिश कर रहे हैं ओ एस टी से निकालने की, ठीक है। तो कॉस बी का वैल्यू कितना आ गया, कॉस बी, इसका मतलब क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, राइट। तो इसका मतलब ये हो गया बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज तो ओ एस है और ओ एस की लेंथ कितनी आ गई, कॉस ए। तो आई कैन राइट कॉस ए। तो यहां से देयर फोर ओ टी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी, ठीक है। ओ टी देखिए हमें ओ टी मिल गया। नाउ अब हमें निकालना है साइन बी, साइन बी हम इसलिए निकालना चाहते हैं क्योंकि कहीं रिलेशन होगा आर टी से उसका हमारा, ठीक है। तो साइन, ये जो आर टी है ये तो क्यू एस के इक्वल है, तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अब इस ट्रायंगल को यूज़ कर लिया पी क्यू एस को, रिजल्ट कहीं ना कहीं दिखना चाहिए, ट्राइंगल पी क्यू एस को यूज़ किया। तो यहाँ साइन बी का वैल्यू क्या आया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, सो दैट मीन्स क्यू एस अपॉन हाइपोटेन्यूज। व्हाट इज हाइपोटेन्यूज, यहाँ पे तो आ गया साइन ए, तो क्यू एस अपॉन साइन ए। देयर फोर क्यू एस का वैल्यू क्या आ गया, साइन ए साइन बी आ गया, साइन ए साइन बी। अच्छा क्यू एस किसके इक्वल है, क्यू एस आर टी के इक्वल है। तो यहाँ लिख लिया कहीं पे क्यू एस इज इक्वल टू आर टी, इसका मतलब क्यू एस का लेंथ इतना आया, तो यही लेंथ किसका है, आर टी का लेंथ भी है। तो हमें आर टी का लेंथ मिल गया, इसे लिख लेते हैं फोर और इसे लिख लेते हैं फाइव, ठीक है। तो अब देख लेते हैं इसको, अब तो हमारे पास सारी चीज़ें आ गई। देयर फोर, देयर फोर लिखते हैं यहाँ पे ओ आर, ये जो फर्स्ट है ना कॉस ए प्लस बी, ओ आर इज इक्वल टू ओ टी माइनस आर टी। वॉट इज ओ आर, फ्रॉम फर्स्ट कॉस ए प्लस बी,
कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू, ओ टी का वैल्यू कितना है, कॉस ए कॉस बी, सो कॉस ए कॉस बी माइनस आर टी, आर टी का वैल्यू कितना है, साइन ए साइन बी, साइन ए साइन बी। तो ये हमने प्रूव कर दिया, ये आइडेंटिटी है हमारे पास, ठीक है, दिस इज द आइडेंटिटी। तो इसी आइडेंटिटी को हम बार बार यूज करेंगे, बट प्रूव मैंने आपको यहाँ बता दिया, थोड़ा टेक्निकल प्रूफ है पर ऐसा ही है, राइट। सेकंड प्रूफ देख लेते हैं, सेकंड हम अभी प्रूव कर रहे हैं साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये मैंने सेकंड प्रूफ इसलिए लिया बिकॉज इसका भी जो हमारे पास डायग्राम है दैट इज सेम, जो भी हमने यूज किया था, ठीक है, वहां से जनरेट हो जाएगा। तो वापस सेम चीजें जो अभी किया था पीछे, इट इज सेम। अब सॉल्व करने की कोशिश करते हैं इसको। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे तो कुछ ऐसा आना चाहिए कि हमारे पास ये दोनों टर्म्स जो हैं, ये साइन ए कॉस भी प्लस कॉस साइन भी बोल रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे या तो पी क्यू प्लस क्यू आर एड होना चाहिए या ओ आर प्लस आर टी एड होना चाहिए, ठीक है ना। ओ आर प्लस आर टी तो नहीं हो सकता, दैट वी हैव सीन। इसका मतलब अभी हम बात कर रहे हैं पी क्यू प्लस क्यू आर की। तो देखते हैं अभी यहाँ पे साइन आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, ओके। तो स्टार्ट कर लेते हैं, पहले स्टार्ट करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड जो हमारे पास साइन ए प्लस बी दिया हुआ है, तो साइन ए प्लस बी का मतलब भी आप इसी ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, ओ पी क्यू की, ठीक है। तो साइन ए प्लस बी कितना हो गया, ये ओ पी आर की, यहाँ पे ट्राइंगल भी ले लेते हैं ओ पी आर। तो साइन ए प्लस बी का वैल्यू कितना हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज कितना है तो वन है, तो यहां से मालूम हो गया इज इक्वल टू पी आर आ गया, ये हो गया फर्स्ट साइन ए प्लस बी, ठीक। अब ये जो पी आर है दैट मीन्स अब मैं से प्रूव करना है पी क्यू प्लस क्यू आर, तो एक वैल्यू साइन ए कॉस बी होगी, एक वैल्यू कॉस ए साइन बी होगी, इतना सिंपल है। अब स्टार्ट करते हैं साइन ए से, तो अब साइन निकालते हैं, ठीक है, ये ट्राइंगल में दे रखा है तो ये साइन निकालते हैं। तो साइन ए कितना हो गया हमारे पास, साइन ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर तो ये हो गया पी एस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये हो गया पी एस के बराबर, तो हमने पी एस इज इक्वल टू साइन ए लिख लिया, ठीक है, ये है सेकेंड। अच्छा ट्राइंगल लिखना है क्या, ट्राइंगल ओ पी एस, ट्राइंगल ओ पी एस, ठीक है, ट्राइंगल ओ पी एस में आप यू कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। अब हम आ जाते हैं कॉज ए पे, कॉज ए, अब कॉज ए देख लिया इसी ट्राइंगल से, तो ये तो बेस हो गया ओ एस अपॉन वन, तो ओ एस अपॉन वन, तो यहां से हमारे पास ओ एस की लेंथ भी आ गई, ठीक, तो ओ एस को लिख लिया कॉस ए। तो जैसे लास्ट टाइम किया था वही चीज हमने साइन ए और कॉस ए निकाल लिया, अब निकाल रहे हैं कॉस बी, कॉस बी। अल्टीमेटली हमें ध्यान रखना है कि हमें करना कि हम तो पी क्यू प्लस क्यू आर निकालना चाह रहे हैं, ठीक है, और इसी टर्म्स में आना चाहिए आंसर, तो कॉस बी। अच्छा कॉस भी निकालने के लिए हम ये ट्राइंगल यूज कर लेते हैं, छोटा वाला ट्राइंगल, तो इसमें लिख लिया ट्राइंगल पी क्यू एस। तो यहां से अगर मैं कॉस भी देखूं तो ये तो हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट मींस बेस कितना हो गया पी क्यू, अपॉन पी एस, ठीक है, तो ये आ गया पी क्यू अपॉन साइन ए,
तो यहाँ से हमारे पास पी क्यू की लेंथ आ गई, तो हमें जनरेट हो रही है ना वैल्यू, ये साइन ए कॉस भी देखो ये वैल्यू भी आ गई, ठीक है। सिमिलरली अब हम क्या कर रहे हैं, ये क्यू आर जनरेट करना चाहेंगे, तो अब हम एस साइन बी की और वैल्यू देख लेते हैं, अभी तो हमारे पास कॉस भी आया, अभी हम साइन बी भी तो देख लेते हैं। साइन बी, और साइन बी को देखेंगे हम ट्राइंगल ओ एस टी से, ये भी तो बी है, तो साइन बी को हम देखेंगे फ्रॉम ट्राइंगल ओ एस टी, ठीक है। तो साइन बी क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर है एस टी अपॉन हाइपोटेन्यूज है कॉज ए, कॉज ए, और हमें पता है एस टी किसके बराबर है, क्यू आर के इक्वल है, तो यहां पे लिख लें एक बार को, क्यू आर अपॉन कॉज ए। तो ये इंप्लाई कर रहा है कि जो क्यू आर की लेंथ आ गई ये कितनी आ गई, कॉज ए साइन बी, ठीक है। तो ये फिफ्थ हो गया, अब लिख लिया यहां पे पी आर किसके इक्वल है, पी आर है पी क्यू प्लस क्यू आर के इक्वल, फर्स्ट से पी आर की लेंथ क्या है, साइन ए प्लस बी है, तो लिखा हुआ इसका वैल्यू है साइन ए प्लस बी। पी क्यू का वैल्यू क्या है, पी क्यू का वैल्यू आ गया हमारे पास, पी क्यू का वैल्यू आ गया साइन ए कॉस बी, प्लस क्यू आर का लेंथ क्या है, कॉस साइन बी, राइट। तो ये रिजल्ट आ गया, यही हमें प्रूव करना था यहां पे, ये हमने यहां पे प्रूव कर दिया। तो टेक्निकल रिजल्ट है, पर आपको देखना पड़ेगा, दो बार करना पड़ेगा इसको, ओके। अब ले लिया कॉस ए माइनस बी, और इसका जो नेक्स्ट लेंगे हम वो ले लेंगे साइन ए माइनस बी, ये दोनों से लिया बिकॉज दोनों का सेम डायग्राम बनेगा। तो पहले आप यहाँ देख लीजिए, वैसे हमने ट्रायंगल बनाया बट इसमें क्या लिया है कि बीच में जो लेंथ है ओ एस, हमने एक यहाँ पे ट्रायंगल लिया है, और यहाँ पे जो लेंथ ओ एस लिया है इसका लेंथ वन लिया है, इसका लेंथ है वन यूनिट, वन यूनिट तो लेंथ हम जरूर यूज़ करेंगे बिकॉज हम तो एक सर्कल यूज़ कर रहे हैं और ये सर एक सर्कल का पार्ट है, राइट। और यहाँ पर जो हमने लिया है एंगल लिया है इधर एक, दैट इज ए, और ए एंगल को दो पार्ट में ब्रेक किया है, एक एंगल ले लिया हमने बी और दूसरा एंगल बचेगा दैट विल बी ए माइनस बी, ठीक है, ओके। नाउ कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी का वैल्यू होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, तो ये ए माइनस बी तो ये आ रहा है, अब फिर देख लेते हैं यहाँ से कॉस ए माइनस बी क्या आ रहा है, तो वहां से फिर आइदर हमें क्या करना पड़ेगा, तो प्लस है तो इसका मतलब या तो हम पी क्यू प्लस क्यू आर जनरेट करें, ठीक है, ये हम जनरेट करें ओ आर प्लस आर टी, ये दो चीज़ें आएंगी हमारे पास, तो देखते हैं क्या जनरेट हो जाता है। तो हमने पहले यहाँ पे ट्राइंगल ले लिया ओ एस टी, तो ट्राइंगल ओ एस टी की हम बात कर रहे हैं, ट्राइंगल ओ एस टी से कॉस ए माइनस बी निकालने की कोशिश की, तो कॉस ए माइनस बी कितना हो गया, ये तो हो गया बेस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज में वन मिल गया तो ओ टी तो आ गया भाई कॉस ए माइनस बी। अब हमें दिख रहा है कि ये तो जो ओ टी है, ओ टी इज इक्वल टू ओ आर प्लस आर टी, सिंपल सी बात है, यहाँ पे प्लस लगा हुआ है, तो ये सब कुछ ऐसे ही जनरेट होने वाला है, तो ये तो फर्स्ट हो गया हमारा एल एच एस इज इक्वल टू ओ टी, राइट। अब बस फिर स्टार्ट करते हैं चीज़ों को, कहाँ से स्टार्ट करें, और ओ टी इज इक्वल टू लिख लेते हैं यहाँ पे, ओ टी किसके बराबर है, ओ टी तो ओ आर प्लस आर टी के बराबर आएगा, ठीक है, तो ये करने की कोशिश करेंगे ओ आर प्लस आर टी। अच्छा आर टी कैसे जनरेट हो जाएगा, हो सकता है मैं यहाँ पे, हम यहाँ पे ये ट्राइंगल यूज़ करेंगे तो यहाँ से क्यू एस के बराबर आ जाएगा, तो क्यू एस को रिप्लेस कर देंगे, आर टी को रिप्लेस कर देंगे क्यू एस से, और क्यू एस इज इक्वल टू आर टी। अच्छा भाई चलते हैं, अब ट्राइंगल ले लेते हैं हम ओ पी आर, तो टेकिंग ट्राइंगल ओ पी आर,
OPR, ठीक है। यहां से हम कॉज ए निकालने की कोशिश करते हैं, ये पूरा एंगल ए है, तो कॉज ए हो गया बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज कितना है हमारे पास, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज इक्वल टू OP। अच्छा, यहाँ पे जो कॉज आया हमारे पास OPR से, तो OPR से कॉज की वैल्यू क्या आएगी, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज अपॉन OP। तो अभी हमने कहीं OP तो जनरेट नहीं किया है, बट OP की लेंथ कॉज भी आई, कैसे आई, कैलकुलेशंस कर लेते हैं। तो कहीं पे यहाँ पे मैं कैलकुलेशन दिखा देता हूँ आपको। फ्रॉम ट्राइंगल OPS, ये ट्राइंगल OPS ले लेते हैं, फ्रॉम ट्राइंगल यहां कर लेते हैं इसको, अभी ट्राइंगल OPS, OPS ये राइट एंगल यहां पे है। तो यहां से हमारे पास ये एंगल B है ना, तो कॉस बी की वैल्यू कितनी आएगी, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस तो हो गया OP और हाइपोटेन्यूज हो गया OS। OS लिख लेते हैं पहले, फिर क्योंकि तो वन है, तो इज इक्वल टू OP अपॉन वन इज इक्वल टू OP। तो OP की तो लेंथ तो आ गई कॉस बी। सिमिलरली अगर हम साइन बी निकालें तो साइन बी का वैल्यू कितना हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो साइन बी हो गया हमारे पास PS अपॉन वन, तो ये PS के बराबर हो गया, तो इसे लिख लिया साइन बी। तो कॉस बी और साइन बी ऐसे लिखा हुआ है, इसको हम नेक्स्ट भी यूज करेंगे। तो ये आ गया OR अपॉन OP, तो इज इक्वल टू OR अपॉन OP का लेंथ कितना है, कॉस बी, तो ये कॉस बी लिख लिया यहाँ पे। देयर फोर OR इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी, ये हो गया थर्ड, ठीक है। अब क्या कर लें, हमारे पास कॉज ए आ गया, कॉज ए आया अभी इतनी देर से, ओके। ओ आर का वैल्यू आ गया हमारे पास, तो ठीक है। अब उधर ट्राइंगल ले लेते हैं PQS। तो फ्रॉम ट्राइंगल PQS, ये PQS एक ट्राइंगल बना हुआ है, PQS। अच्छा, हम यहाँ देख रहे हैं कि ये जो हमारे पास एंगल आया, अगर हम बात करें ये टोटल टोटल एंगल है ए और ये एंगल है 90, तो ये एंगल कितना बच गया, ये एंगल तो 90 माइनस ए बच गया, क्योंकि सम कितना होता है, 180 होता है। जब ये 90 माइनस ए बच गया और ये एक राइट एंगल है, तो ये एंगल आ गया ए, ठीक है। हमने कैलकुलेट किया है ए, तो हम इस ए की अब हेल्प ले रहे हैं। तो इन ट्राइंगल PQS यहाँ पे साइन ए की वैल्यू कितनी आएगी, साइन ए का वैल्यू यहाँ से मेरे पास आ जाएगा परपेंडिकुलर, दैट इज QS अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज PS। और PS कितना है, डायरेक्टली लिखते हैं यहाँ पे साइन बी। देयर फोर QS विच इज इक्वल टू RT इज इक्वल टू कितना आ गया, साइन ए साइन बी। तो अब हमारे पास RT भी मिल गया, हमारे पास OR भी मिल गया और हमें OT भी मालूम है। तो हमने कहा था कि जो OT आएगा वो तो OR प्लस RT आएगा, तो ठीक है। सो OT इज इक्वल टू OR प्लस RT, इट शोज कॉज ए माइनस बी इज इक्वल टू कॉज ए कॉज बी प्लस साइन ए साइन बी। तो ये प्रूव हो गया, ठीक है। सेम फिगर अभी हम यूज कर रहे हैं नेक्स्ट, सेम फिगर, तो उसमें समझाने की जरूरत नहीं है कॉज बी कहाँ से आया साइन बी कहाँ से आया, सेम फिगर यूज करना है।
ऐसी ट्रैक, ये जो एंगल होगा वो ए एंगल दिया हुआ है, तो उसे देख लेते हैं। इसे अब प्रूव करना है हमको, साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। सेम फिगर बना हुआ है, एग्जैक्टली सेम, ठीक है। और ये वैल्यू इसी लिखा हुआ है हमने। ओके, तो अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पे ट्राइंगल ओ एस टी यूज़ कर रहे हैं पहले हम, ट्राइंगल ओ एस टी, ठीक है, क्योंकि ए माइनस बी चाहिए, तो ए माइनस बी तो यही जनरेट हो रहा है। तो साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज कितना है? वन है, ये वन यूनिट है, लास्ट में भी ये लिया था हमने। तो यहाँ से हमारे पास एस टी आ गया, एस टी आ गया हमारे पास, ठीक है। एस टी का मतलब ये हो गया हमारे पास क्यू आर। अब क्यू आर निकालना है तो ये तो बड़ा ईजी लग रहा है हमको। क्यू आर कैसे निकलेगा? पी आर निकालें, उसमें से पी क्यू माइनस कर दें, तो क्यू आर आ जाएगा, और क्यू आर एस टी के इक्वल है, तो हमारा पर्पस सॉल्व हो जाएगा एनी वे। एस टी, तो ये तो हो गया फर्स्ट इक्वेशन, ठीक। अब आ गए आते हैं, और एस टी हमारे पास कितना है? एस टी को लिख भी लेते हैं, एंड एस टी इज इक्वल टू पी आर माइनस क्यू आर। एस टी इज इक्वल टू, सॉरी, पी आर माइनस पी क्यू, पी आर माइनस पी क्यू, ठीक है। ये प्रूव करना है अल्टीमेटली। तो ठीक है, अब ट्राइंगल ले लिया, पी आर और आर क्यू कहाँ से आएगा? ट्राइंगल ले लिया हमने ओ पी आर, ओ पी आर, तो ट्राइंगल लिया ओ पी आर, ठीक है। ओ पी आर से हमने साइन ए निकाल लिया, साइन ए निकल सकता है क्या? ओ पी आर से साइन ए निकल सकता है क्या? ये पूरा एंगल ए है, तो इट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर है पी आर, और हाइपोटेन्यूज है हमारे पास ओ पी, दैट इज इक्वल टू कॉस बी। ये दोबारा निकालने की जरूरत तो है नहीं मेरे को, मैं लास्ट वाले क्वेश्चन में कर चुका हूँ इसको। तो देयर फोर हमारे पास पी आर की लेंथ आ गई, हमें पी आर चाहिए ना, तो ये तो साइन ए कॉस बी आ गया, बिल्कुल सही आ रहा है, ठीक है। इसे लिख लेते हैं सेकंड। अब हमें चाहिए पी क्यू, तो ठीक है, तो छोटे ट्राइंगल से निकल आएगा, फ्रॉम ट्राइंगल पी क्यू एस, फ्रॉम ट्राइंगल पी क्यू एस, पी क्यू एस से निकालना चाह रहे हैं हम साइन बी। साइन बी निकलेगा पी क्यू एस, ओके, पी क्यू एस इज ओवर हेयर, तो इससे हम कॉज ए निकाल लेते हैं, ए दिया हुआ है सॉरी हमको, तो कॉज ए निकाल लेते हैं यहाँ से। तो कॉज ए की वैल्यू क्या होगी? ये तो 90 डिग्री हो गया, और ये एंगल ए हो गया, तो कॉज ए कितना हो गया? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस तो हो गया पी क्यू, अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना हो गया? पी एस, और पी एस को भी हम साइन भी लिख देते हैं। देयर फोर पी क्यू कितना आ गया? कॉस ए और साइन बी आ गया, ठीक है, ये थर्ड आ गया। नाउ अब सारी चीज आ गई हमारे पास, देयर फोर एस टी इज इक्वल टू पी आर माइनस पी क्यू, पी आर माइनस पी क्यू। एस टी कितना है? एस टी, ये तो वैल्यू है साइन ए माइनस बी, तो साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू पी आर, पी आर कितना है? साइन ए कॉस बी माइनस व्हाट इज द लेंथ ऑफ पी क्यू? कॉस ए साइन, सॉरी, साइन बी। यही हमको प्रूव करना था और ये हम प्रूव कर पाए, ठीक है, ज्योमेट्रिकली। तो ये चारों प्रूफ्स हैं और ये हमारे पास आइडेंटिटीज एस्टेब्लिश हो चुकी हैं, तो इन आइडेंटिटीज़ को हम यूज़ करेंगे अपने क्वेश्चंस में। ये मैंने आज क्लास में बोला था आपसे,
डेरिवेशंस नहीं होंगे, पर जिसको देखना है कि ये वैल्यू कैसे आया तो वो यहाँ पे देख सकता है। ठीक है, क्वेरीज हो तो क्वेरीज आर वेलकम। सो थैंक यू वेरी मच।